हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह का जो 12th एडिशन का रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था जो नया एडिशन आ चुका है, मतलब उसको खरीदना है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो लोग देखना चाहते हैं। मतलब एक बार उसका रिव्यू हो गया तो आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और इसका लिंक वगैरह आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ओके, पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, पुराना एडिशन ये है 11th एडिशन। ओके, तो इसके बाद जो 12th एडिशन आ गया, तो पुराना एडिशन सबसे ज़्यादा लोग ये यूज़ कर रहे हैं आजकल। बट इकोनॉमी में नया एडिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमें पता है प्रीलिम्स में 20 से 25 के आसपास क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इकोनॉमी से पूछा जाता है, बट मैक्सिमम ये करंट अफेयर्स ड्रिवन है। तो इस रमेश सिंह का बुक का खास बात क्या है, हमेशा करंट अफेयर्स अपडेटेड रहते हैं लेटेस्ट वाला एडिशन में। इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जो COVID-19 का इम्पैक्ट की वजह से इकोनॉमी में क्या इश्यूज़ आ गया, कुछ मतलब भारत अभियान ऐसा एक नया स्कीम वगैरह, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें इंक्लूड है। साइज ज़्यादा चेंज नहीं है, पुराने एडिशन के हिसाब से सेम ही है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी इस बार दे रहे हैं इन लोगों ने, इकोनॉमिक सर्वे दे रहे हैं एज वेल एज यूनियन बजट 2020-21 का यूनियन बजट भी इंक्लूड है, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और कोविड का इम्पैक्ट में क्या क्या है, और कुछ चैप्टर्स उन लोगों ने रिविजन किया है, लाइक इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पता है एग्रीकल्चर से हर साल 2 क्वेश्चन तो पक्का ही है, मतलब प्रीलिम्स वगैरह में। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो काफ़ी इन लोगों ने मॉडिफिकेशन भी किया है, तो मैंने इसका जैसे मैं इसका अंदर कैसे है बताने का तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें हो चुका है। ओके, सो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या, लाइक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड एडग्लोजरी दिया है, उसके साथ जो स्टूडेंट फ्रेंडली फीचर्स है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिया है क्योंकि आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या खास फीचर्स है एक्चुअली। ओके, या सो आई एम यूजिंग ए बुक स्टैंड, यू कैन सी लाइक ईसी रीड, सो दिस इज क्वाइट यूजफुल फॉर स्टडिंग लाइक विदाउट नेक पेन एंड ऑल। ओके, सपोज लाइक दे आर वन टॉपिक बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एंड ऑल, लाइक आई विल शो यू वन थिंग ग्लोसरी। या सो हियर यूनियन बजट दिया है एक्चुअली 2021 का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स के हिसाब से दिया है, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एक्चुअली। इसमें कोविड का इम्पैक्ट भी इन लोगों ने इंक्लूडेड किया है, तो लाइक डिफरेंट सेक्टर्स कुछ चीज़ों में क्या क्या हो रहा है, तो आप काफ़ी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप देखो इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से, मतलब बुलेट पॉइंट दिया है और स्पेस भी प्रॉपर लाइक डिस्टेंसिंग में दिया है, और अच्छा कलर इस बार क्या हुआ, थोड़ा कलरफुल आ गया अपना जो एडिशन है, तो आप देख सकते हैं लाइक। सो ऑब्वियसली जो भी ब्यूटिफिकेशन जो काम करता है ना, तो हमें पढ़ाई करने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है, हमें पता है काफ़ी सारा चीज़ें पढ़ना है, और अगर प्रॉपर तरीके से अगर क्राउडेड लिखा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पता है रमेश सिंह के बारे में काफ़ी पॉपुलर ऑथर है इकोनॉमिक्स में, तो सर का क्लासेस भी चलते हैं करोड़बाग एरिया में, मतलब दिल्ली में, इकोनॉमिक्स के लिए हमारे UPSC स्टूडेंट्स के लिए, तो आंसर राइटिंग सब कुछ सिखाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। ओके, आई एम जस्ट गिविंग ए बेसिक आइडिया। ओके, हम इसमें अभी देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूडेड है। ओके, सो नॉर्मल इंडक्शन थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है इन लोगों ने, जो इकोनॉमिक्स इंडक्शन में ऑलरेडी इसमें बता चुका है, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस एज वेल एज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वन सेकंड, आई जस्ट अरेंज प्रॉपर्ली। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इज अ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर का। या दिस इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज सेक्टर, इंडियन फिनेंशियल मार्केट, बैंकिंग इन इंडिया, सो मनी एंड बैंकिंग इज़ ए वेरी क्रिटिकल टॉपिक फॉर UPSC प्रीलिम्स, आपको पता रहता है, और इंश्योरेंस इन इंडिया, सिक्योरिटी मार्केट, एक्सटर्नल सेक्टर, तो लाइक आई एम जस्ट लाइक टिल यू कैन सी लाइक इट विल गो टू दैट सेलेक्टेड MCQs भी आपको इधर मिल रहे हैं, देन सेलेक्टेड मॉडल आंसर्स दे आर गिविंग फॉर एवरीथिंग एक्चुअली, एंड इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है, उसके साथ यूनियन बजट भी मिलते हैं, ओके, सम ग्लोसरी डिटेल्स एक्चुअली। तो इसका प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, पेपर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। ओके, एंड द वे कलरफुल प्रेजेंटेशन दिया है, काफ़ी स्पेसिंग दिया है, और हम जो हेडिंग वगैरह काफ़ी हाईलाइटेड है, मतलब थोड़ा ईजी रहते हैं, और जो भी चीज़ आप एक बार कोई भी चीज़ पढ़ के देखें, सपोज प्राइमरी सेक्टर, लाइक काफ़ी क्रिस्प एंड प्रोसेस वे में है। ये जिस सिर्फ इस बुक का क्या खास बात है, काफ़ी सारा बुक है इंडियन इकोनॉमी का,
तो प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस दे। दिस बुक इज़ नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, ये मेंस के लिए भी काफ़ी, एक बार आपने ये पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स और मेंस कवर हो गया। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी करना है, कोई भी विषय इनसाइट्स का जो मंथली करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो मेंस 365 वगैरह विषय वगैरह आते हैं तो उसके साथ क्लब करके पढ़ाई कर दिया तो लाइक आप थोड़ा सेफ साइड में हो। ओके तो इसमें आपको लाइक प्रेजेंटेशन वाइज ये चीज़ है, मतलब मैक्सिमम जो सिलेबस है हमारे यूपीएससी का वो पूरा इसमें कवर करने के लिए कोशिश इन लोगों ने किया है। मतलब एक सबसे ज़्यादा कंटेंट वाला बुक है मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमी के लिए आपको जो मार्केट में मिलते हैं। ओके तो इसका साथ साथ एक और बुक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट बाय शंकर गणेश करपे, दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन। लिंक वगैरह इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा जो शंकर गणेश का ये जो बुक है, ये मतलब काफ़ी छोटा बुक है, लाइक सपोज 155-160 पेजेस ओनली। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इकोनॉमिक्स में, तो आपको बेसिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इकोनॉमिक्स वगैरह में, ये बुक तो काम हो जाएगा आपका। फिर भी अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल में चाहिए तो ये बुक काफ़ी बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको सिर्फ कंटेंट्स थोड़ा सा एक बता देता हूँ, लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह में जो बेसिक टर्म्स यूज़ करें, नेशनल इनकम में क्या क्या आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा कोई भी टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मतलब बेसिक बिल्ड करने के लिए दिस इज़ रियली गुड। तो इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी लाइक काफ़ी टेबल्स है, चार्ट्स है, माइंड मैप्स दिया है इसमें, फ्लो चार्ट्स है। तो ये काफ़ी, अगर बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं है तो ये बुक काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं आपका जो प्रिपरेशन के लिए। ओके तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अभी रही बात लाइक द प्रीवियस एडिशन एक्चुअली, ओके तो अगर प्रीवियस एडिशन इस न्यू एडिशन में काफ़ी सारा चेंजेस हो चुके हैं एक्चुअली। जनरली क्या होता है, जो प्रीवियस एडिशन हम कोई भी आप मार्केट से खरीदे, जब नया एडिशन निकालते ज़्यादा कुछ चेंजेस करता है नहीं, बट इसमें आप देखो लाइक पुराना वाले में प्रेजेंटेशन कैसे टाइप का है, उसमें कोई एमसीक्यू का ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया था, और उसके साथ साथ ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका हूँ तो लाइक दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके तो उस इकोनॉमिक सर्वे वगैरह अवेलेबल नहीं था, वो सब चीज़ इस बार इन लोगों ने इंक्लूड किया था, जो यूनियन बजट लेटेस्ट वगैरह। ठीक है तो ये था ओल्ड वाला बुक, ये नया वाला बुक है। ओके तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी का जो रिसोर्सेज है उसका कीप ऑन अपडेट करते रहते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन आ गया, जो स्टूडेंट लोगों को हेल्प हो सकते हैं। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को, हमें काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, मतलब थोड़ा मोटिवेशन वगैरह करने के लिए मिल जाता है। और आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बुक आपको जो इम्पोर्टेंट बुक है आप यू वांट टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर बुक, वो सब चीज़ आप बता सकते हैं, हम लोग ज़रूर उसमें काम करूँगा। ओके और एक चीज़, इसका बुक आपको थोड़ा बल्की वगैरह दिखेगा, बट एक्चुअली ये काफ़ी, मतलब जो प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़े बड़े हैं, लाइक काफ़ी स्पेसिंग वगैरह की है, तो आपको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। तो आप करंट अफेयर्स के साथ इसको क्लब कर कैसे पढ़ाई करना है, ओके सो आप सपोज मंथली मैगजीन उठाते हैं वो उठा लो, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें दिख रहा है वो इधर आके पढ़ो। सपोज बैंकिंग में कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो मनी एंड बैंकिंग में जाके कनेक्ट करने के लिए कोशिश करो। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो वैसे वापस आके आप इसमें देख सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी होना यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी सारा हेल्प रहेगा। और एमसीक्यूज इसमें जो दिया है वो प्रैक्टिस करने के लिए आप थोड़ा कोशिश कर दिए तो अच्छा रहेगा। तो कुछ एमसीक्यूज वगैरह दिया है और काफ़ी बढ़िया बात है, एक सबसे पॉपुलर ऑथर ने एमसीक्यूज बना है तो उसको वो सब्जेक्ट भी अच्छी तरह जानते हैं, तो इफ़ यू प्रैक्टिस दैट वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। ओके ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को यूज़फुल आ सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।